नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं वृष लग्न के विषय में। वृष लग्न का क्या है सकारात्मक प्रभाव और क्या है नकारात्मक प्रभाव, यानी सकारात्मक गुण क्या हैं और नकारात्मक अवगुण क्या हैं। तो वृष लग्न के विषय में सबसे पहले जान लीजिए कि वृष माने होता है बैल, शुक्र वृष तुलाधिपा, शुक्र जो है वृष और तुला का स्वामी है। तो जो वृष लग्न है वो वृष लग्न जो है वृष माने बैल, जैसे बैल बहुत अतिशय मेहनती होता है, अतिशय संघर्षशील होता है, उसी प्रकार इस राशि का जो चिन्ह है वो वृष है। इस राशि वाले जो जातक होते हैं वो सुंदर भी होते हैं और सुंदरता अधिक पसंद करते हैं, और जिसे जिसके साथ रहना या जीवन व्यतीत करना या जीवन साथी को भी सुंदर हो ऐसी उनकी कल्पना होती है। इस राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ी आलसी होते हैं, काम के विषय में जो करना होगा भी तत्काल तो टाल देते हैं कि फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी नहीं फिर कर लेंगे। वैसे जब कभी इनका कार्य में मन लगता है तो उस कार्य को फिर कहो घंटों घंटों बहुत अच्छे से और उसको गंभीरता के साथ सीरियस ही करें। बाकी वृष लग्न वाले जो जातक होते हैं वो भोग विलास आदि जीवन विशेष पसंद करते हैं, उसके साथ साथ संगीत प्रेमी होते हैं। इनके अंदर स्वयं में कला की बड़ी विशेष गुण होते हैं, इनके अंदर कला समाहित होती है। और इस लग्न के जातक के लिए पंचमेश की जो स्थिति बनती है वो बुध की बनती है, और भाग्येश की स्थिति बनती है वो शनि की बनती है। पूरे जन्मांक में शुक्र और शनि की यदि कहीं युति हो रही है ठीक स्थान पे तो बहुत अच्छा रहता है। प्रायः वृष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि विशेष प्रधान होता है, शनि की दशा हो या महादशा हो, अंतरदशा हो। वैसे तो शनि में शुक्र का अंतर और शुक्र में शनि का अंतर प्रायः खराब देखा गया है, अच्छा नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे शनि की स्थिति परम मित्र बन जाता है क्योंकि भाग्येश हो जाता है, तो वैसी स्थिति में अच्छा जाता है। लेकिन फिर भी जन्मांक का अध्ययन करने के बाद ही इस विषय का सारगर्भित निर्णय निकलता है। लेकिन इसमें जो वृष लग्न वाले जातक हैं इनके लिए शनि विशेष अच्छा फल देके जाता है, चूँकि भाग्येश भी होता है और कर्मेश भी होता है, तो इसलिए इस राशि वाले जातकों के लिए शनि विशेष अच्छा होता है। उसके साथ साथ पंचमेश जो बुध है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तो मैंने युति बताई। जो शुक्र का रत्न होता है वो डायमंड होता है, हीरा होता है, उपरत्न ओपल भी होता है। रत्न धारण के विषय में यदि बात करूं तो पन्ना पहन सकते हैं और पुखराज पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं और ओपल जो मैंने बताया वो पहन सकते हैं। खास करके नीलम विशेष अच्छा रहेगा, ये जन्मांक का अध्ययन करने के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि माता और पत्नी के सानिध्य में रहना इस राशि वाले जातक विशेष पसंद करते हैं, पिता से कुछ इनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं बनती है। आपके जीवन में व्यापारिक यात्राएं काफ़ी होती हैं, अपने ही बनाए हुए उसूलों का जीवन जीना पसंद करते हैं, और किसी भी प्रकार से इस राशि वाला जातक ज़्यादा कष्ट और ज़्यादा गरीबी हालात की जीवन नहीं जी पाता, क्योंकि वो थोड़ा सा कोमल भी होता है, भोग का ज़्यादा विशेष आदि होता है, तो कष्ट का या गरीबी का या इस प्रकार की यदि कोई हालात आती हैं
तो बहुत विचलित हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको जो इनके विषय में बताया, ये है इनका जो रंग है वो सफ़ेद रंग विशेष प्रिय है। और नग के विषय मैंने पहले बता दिया कि नग ये हैं, इनके जो इष्ट बनते हैं वो विष्णु और दुर्गा और शिव भी, ये तीनों इष्ट बनते हैं। वैसे नहीं नहीं विष्णु दुर्गा और शिव, हाँ ये तीन इष्ट बनते हैं, गणेश भी बनते हैं, तो ये इनकी कर सकते हैं। लेकिन विशेष यदि सारांश में आ पाएँ तो दुर्गा या शिव, इन दोनों में से इष्ट मान करके आपकी जीवन में कोई परेशानी आती है तो इनको आप जो है इनके शरणागत हों, इनका जाप पाठ पूजा आदि करें, उससे आपकी विघ्न बाधाएं ख़त्म होंगी। और इस लग्न वाला जो जातक होता है थोड़ी आलसी ज़्यादा होता है, उसको आलस्य त्यागना चाहिए और अपने कर्म के प्रति, अपने कर्म क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने बताया वृष लग्न के विषय में, जो शुक्र की राशि है, जो शुक्र की लगन कह लीजिए या राशि कह लीजिए, उनके विषय में बताया। तो बस आज इतना ही, नमस्कार।